नमामि धन्वंतरि वादिदेवं सुरासुरैः वंदित पाद पद्मं लोके दधतम रुद्रघटम चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छादिरुद्यम शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजने प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सब पवित्र आत्माएं हैं। आजकल हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट आ रहे हैं कि उनको ना कुछ साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम रह रहा है। तो मैं कुछ चीजें बताऊंगा और जो मैं बताऊंगा इसका PDF आप लोगों को शेयर करूंगा। आजकल हमारे पास ऐसे पेशेंट आ रहे हैं कि लोग जो है ना बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की वजह से, तो इसीलिए उसको हम साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसमें आज के जमाने में बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा हो गया है, लाइफ में कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है या जो भी वातावरण है उसमें नर्वसनेस बहुत ज्यादा आ गया है, लोगों को अकेलापन ज्यादा फील हो रहा है, उसमें वरीनेस बहुत ज्यादा आ गया है। मतलब इंसान सोचते रहता है बहुत ज्यादा, कोई भी बात को उसको दिमाग में कोई बात रहती है वो सोचते रहता है, उसको डर लगा रहता है, उसको डिप्रेशन रहता है, उसको फिजिकल या इमोशनल ट्रॉमा रहता है या मेंटल ट्रॉमा रहता है। ट्रॉमा मतलब उसको कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है लाइफ में जो चीज उसको टॉलरेट नहीं होती है लेकिन हो जाती है, मन के विरुद्ध कोई बातें हुई रहती है तो वो दिमाग पे असर करते हैं, इमोशनल ट्रॉमा बोलेंगे वो। किसी भी जैसे गर्लफ्रेंड, किसी लड़की से प्यार था वो नहीं मिली, कुछ चीज चाहिए होता है वो नहीं मिली, वो सब दिमाग पे काम करता है तो इमोशनल ट्रॉमा होता है, या फिर किसी ने इंसल्ट कर दिया, तो इस ऐसे बहुत सारे कारण रहते हैं जिसके वजह से साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसमें आजकल क्या है कि अगर हम लोग देखेंगे पहले के जमाने में लोगों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा मतलब अटैचमेंट होता था, दोस्तों में, हर चीज में, समाज में, परिवार में, सोसाइटी में। आजकल कैसे है कि लोगों को ट्रस्ट नहीं रह गया है, एक दूसरे से जेलस फीलिंग बहुत ज्यादा है, कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट है बहुत ज्यादा, और एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, मजाक उड़ाना चाहते हैं। तो इसका कारण है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आजकल मोबाइल का जमाना है तो लोग मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे बात करते हैं लेकिन पर्सनली किसी के घर आना जाना, मिलना जुलना, इस सबसे लोग दूर जा रहे हैं। और कमिटमेंट जो रहता है किसी के साथ, कोई बात कह दिया, पहले कैसा था, प्राण जाए पन वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पन वचन न जाए, आजकल लोग झूठ बोल रहे हैं हर बात पे, तो कमिटमेंट नहीं रह गया। तो ऐसा ये कारण होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है और वो दुष्परिणाम होता है साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स में। तो जब हम साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स बोलते हैं तो उसमें चार तरह के वो ग्रुप रहते हैं। एक होता है कि सेक्सुअल डिसफंक्शंस,
दूसरा होता है सेक्सुअल परवर्जन्स, ना। होता है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। मैं ये क्या होता है ये मैं बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। पहले जो है कि सेक्सुअल डिसफंक्शन, जब भी कोई इंटरकोर्स करता है, मैथुन करता है, तो सेक्सुअल डिजायर ही नहीं रहता, इच्छा ही नहीं रहती है। हस्बैंड वाइफ दोनों को इच्छा नहीं रहती है, दोनों डिस्टर्ब रहते हैं लाइफ में, परेशान रहते हैं, कोई भी कारण से सेक्सुअल डिजायर का लॉस होना, उनको अराउजल ही नहीं होता, उनको ऑर्गेजम नहीं होता, या फिर सेक्सुअल पेन बहुत ज्यादा होता है, या डिफिकल्टी होती है सेक्सुअल परफॉर्मेंस में, तो वो हो सकता है फिजिकल कॉज हो सकता है या मेंटल कॉज हो सकता है। तो जो हमारे इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसे चार पुरुषार्थ बताए, धर्म अर्थ फिर काम भी बताए, वो भी बहुत जरूरी है, जो लोग गृहस्थ जीवन में, जो लोग सन्यासी हैं उनके लिए ये सब नहीं है, उनके लिए धर्म है और तप है और वो लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो लोग गृहस्थ हैं सर्व सामान्य लोग, उनको काम में सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं रहता है सेक्सुअल इंटरकोर्स में, तो उसके वजह से लॉस ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, या प्री मैच्योर इजैकुलेशन, या डिलेड इजैकुलेशन, इम्पोटेंसी, पेनफुल इंटरकोर्स, ये सब रहता है। या फिर वुमेन में अगर देखेंगे तो उनको सेक्सुअल डिसफंक्शन रहता है, उसकी वजह से लो सेक्सुअल डिजायर, इनएडिक्वेट लुब्रिकेशन, जो मतलब उत्तेजना होने के बाद जो लुब्रिकेशन होता है वजाइनल लुब्रिकेशन, वो नहीं होता है, या फिर डिफिकल्टी और इनएबिलिटी टू अचीव ऑर्गेजम, या फिर पेनफुल इंटरकोर्स, ऐसा वुमेन में देखा जाता है। तो उसके वजह से उसका कारण अगर देखेंगे तो मेडिकल कंडीशन हो सकता है, या कुछ मेडिसिन खा रहे हैं, साइकेट्रिक दवाइयां खा रहे हैं, या कोई सब्सटेंस अब्यूज है, अल्कोहल, सिगरेट, बीड़ी, ये सब आजकल लड़कियों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और या फिर मतलब कुछ ना कुछ कारण होता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि सेक्सुअल डिसायर डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर, हाइपो एक्टिव, हाइपो मतलब कम, सेक्सुअल डिसायर डिजायर डिसऑर्डर, या सेक्सुअल एवर्जन डिसऑर्डर, या फिर उसको मेल में इरेक्टाइल डिसऑर्डर, उसको इरेक्शन ही नहीं होता है, और आयुर्वेद में उस पर योनिवापत में बोला है ध्वजोपघात, क्लैब्यता, इस पे बहुत डिटेल में क्लैब्यता और ध्वजोपघात ऐसे रोग बताएं, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। मेल और फीमेल में ऑर्गेजम, ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर रहता है, उनको ऑर्गेजम मिलता ही नहीं, तृप्ति मिलती ही नहीं है, या सेक्सुअल पेन डिसऑर्डर, मतलब सेक्स करने के टाइम पे डिसपेरोनिया, पेनफुल सेक्स ऐसे होता है, या वेजिनिमस ऐसे हो सकता है, या सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, बहुत सारे चीजें रहती है। फिजिकल कॉजेस भी हो सकते हैं कि अगर पेशेंट को, मेल फीमेल को डायबिटीज है, तो उनको सेक्सुअली बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं वो लोग, और मेल में तो ऐसा ज्यादातर पाया जाता है कि वो इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है डायबिटीज की वजह से, या हार्ट एंड वास्कुलर डिजीजेस रहेंगे, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, हार्मोनल इम्बेलेंसेस, क्रॉनिक डिजीज सच एज किडनी डिजीज, लिवर फेलियर, अल्कोहलिज्म, ड्रग एब्यूज, और इनके वजह से जो भी दवाइयां दी जा रही हैं, जैसे कि मेडिकेशन किया जा रहा है, एंटी डिप्रेशन ड्रग, एंटीबायोटिक्स, या फिर केमोथेरेपी, बहुत सारे दवाइयों का साइड इफेक्ट की वजह से भी सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है। कुछ साइकोलॉजिकल कॉजेज होते हैं, जैसे कि लाइफ में, वर्क में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, कंसर्न अबाउट सेक्सुअल परफॉर्मेंस। अभी क्या है कि आज के जमाने में, पहले के जमाने में क्या होता था कि लड़का लड़की में प्यार होता था तो सच में प्यार होता था, आजकल लड़की जो है ना, जो चीज है वो मैं बता रहा हूँ, लड़की आजकल जब भी देखती है तो वो ये देखती है कि लड़का सेक्सुअली मुझे सेटिस्फाई कर सकता है कि नहीं, जमाना बदल गया है, तो ये पहले देखा जाता है कि वो सेक्सुअली कितना स्ट्रांग है, प्यार व्यार तो दूर की बात है, तो वो बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, तो सामने वाला भी इंसान बहुत ज्यादा घबरा जाता है सेक्सुअल परफॉर्मेंस होगा कि नहीं होगा। फिर मैरिटल एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रही है, जमाना बदल गया इसलिए डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, फीलिंग्स ऑफ गिल्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, पास्ट सेक्सुअल ट्रॉमा होता है, सेक्सुअली अब्यूज हो गया है, या फिर कुछ ना कुछ कारण है कि रिलेशनशिप में थे, वो ब्रेक हो गया, ब्रेकअप हो गया, और उस वहां चीज नहीं हुआ, फिर शादी होती है तो कुछ प्रॉब्लम रहती है। इसी तरह से मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मेल्स में अगर देखें तो लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर, सेक्स करने की इच्छा ही नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है आजकल, या फिर उनको इतना ज्यादा कर देते हैं मास्टरबेशन, हस्त मैथुन, कि उनको सेक्सुअल फैंटेसीज क्या होती है उस पर इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है आजकल, क्योंकि
क्योंकि वो हस्त मैथुन इतना अति मात्रा में कर चुके होते हैं, कोई मन में कोई वो नहीं है इस सब में। इसी तरह से वो इनएबिलिटी टू हैव इरेक्शन या मेंटेन एन इरेक्शन, मेंटेन रखना भी इरेक्शन नहीं हो पा रहे, और वो इरेक्शन का भी उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मेल्स में देखेंगे तो उनको सेक्सुअल फंक्शनिंग भी बहुत लो रह रहा है, मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं। उसी तरह से अराउजल तो होता है लेकिन सेक्सुअल स्टिमुलेशन नहीं मिलता है उनको, ऑर्गेजम की नहीं मिल पाता है, टाइम लॉन्ग टाइम तक लेंथी पीरियड ऑफ स्टिमुलेशन नहीं मिलता है, ऑर्गेजम नहीं मिलता है, या फिर उनको बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करने के बाद होता है या ओरल सेक्स करने के बाद होता है, या फिर उनको इजैकुलेट ही नहीं होता है, बहुत कोशिश करते हैं तब भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर परसिस्टेंट इरेक्शन होता है लेकिन उसमें सेक्सुअल डिजायर नहीं होता है, या फिर खून आता है, ब्लड ब्लड वाला ब्लडी इजैकुलेशन होता है। तो इसका कारण अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हमें पता चलता है कि सेंसरी सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वेस्कुलर उनको कोई प्रॉब्लम है, या फिर उनका पेनाइल रिजिडिटी बहुत ज्यादा हो चुका है किसी ना किसी वजह से, उनको बहुत कम मात्रा में सेक्सुअल फैंटेसीज या थॉट्स आते हैं, इसलिए वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में ज्यादा नहीं है, और इसलिए आईवीएफ सेंटर बहुत ज्यादा खुल गए हैं, कृत्रिम रूप से सब करना है लेकिन नॉर्मली नहीं हो पा रहे। इसी तरह से उनको पेन बहुत ज्यादा होता है, अगर मेल एक बार करे फिर उनको बहुत दिन तक, मतलब वो बहुत अनसेटिस्फाइड रहते हैं ये सब चीज में। इसी तरह से फीमेल्स में भी देखे तो फियर, एंग्जाइटी, पास्ट सेक्सुअल ट्रॉमा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, विश्वास नहीं होता किसी भी लड़की को अपने पार्टनर पे या अपने हस्बैंड पे विश्वास नहीं होता, या फिर सेक्सुअल डिसफंक्शन रहता है, या फिर वो ट्रीटमेंट लेना नहीं चाहती है, या सर्वाइकल प्रॉब्लम रहता है, वजाइनल प्रॉब्लम रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो इसके लिए ट्रीटमेंट में आए तो साइकोथेरेपी करना चाहिए, बिहेवियरल थेरेपी करना चाहिए, साइको एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन, और अपना जो भी आयुर्वेद की चिकित्सा है वह करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। चिकित्सा तो आप लोगों को मालूम है सब, चिकित्सा पे तो हम लोग बहुत बार चिकित्सा करते हैं कि रसायन वाजीकरण देते हैं, वाजीकरण दवाइयों से, और हम लोग का ऋतुचर्या में बहुत अच्छे से बताया है, हेमंत ऋतुचर्या में किस तरह से रोमांस करना है, वसंत ऋतुचर्या में क्या करना है, ग्रीष्म में क्या करना है, वो सब चीजें अगर हम पेशेंट लोग को सजेस्ट करते हैं तो आयुर्वेद जितना अच्छा काम करता है या वात्सायन का काम सूत्र है वो जो बताया है वो सच में बहुत ही साइंटिफिक है और बहुत ही अच्छा है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे केस डिस्कशन करते हैं, जो भी मैंने पढ़ाया है एक बुक से इसका मैं पीडीएफ आप लोग को दूंगा, मैं जो भी बताया हूँ ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है, पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं ऐसे, डॉक्टर का काम है कि हमें अच्छे से चिकित्सा करना है डायग्नोस करके। चलिए डॉक्टर हरिहर सर, आप कोई पेशेंट लेके आने वाले हैं? डॉक्टर हरिहर सर सुन पा रहे हैं क्या? हाँ सर, वो अभी दर्शन कुमार है, जुड़ने वाले हैं, या तो जुड़े हो गए तो उसको पूछना है। दर्शन कुमार जी कोई हैं? मुझे तो अभी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, कोई केस आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं क्या? डॉक्टर नेहा मैम, तनिका मैम, कोई केस बताइए, माधुरी मैम, किसी को कोई केस डिस्कस करना है क्या? डॉक्टर अभय जी, सविता मैम, तकदीर जी, शशि मैम, कुछ बोलिए आप लोग। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। प्रणाम मैम, कोई केस बताना चाहती हैं आप? ठीक है, फिर आप सुनिए, क्लैब्यता जब आ रही है ना तो इसमें कैसा कैसा क्लैब्यता है, मानसिक क्लैब्यता है, दोषज क्लैब्यता है, शुक्र क्षयज क्लैब्यता है, व्याधि अरे क्लैब्यता पार्टी, है। मैं आजकल आपको बोलना एक्चुअली चाह में रही हूँ, लोगों में विश्वास नहीं है, प्यार नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक दूसरे के प्रति मतलब नेगेटिव थॉट है एक्चुअली। और जहां पर भी नेगेटिव थॉट रहेगा तो वहां पर प्यार तो पनप ही नहीं सकता है, तो फिर इस वजह से भी ये सब सारी चीजें ज्यादा तकलीफ दे रही हैं या परेशान कर रही हैं। ठीक है जी मैम, सर, थैंक यू सर। दर्शन जी जुड़ गए हैं, आपको केस टेकिंग करना है मैम, दर्शन जी ठीक है को सर। बोलिए वीडियो ऑडियो ऑन करें। हरिहर सर आप कृपया बोलिए दर्शन जी को वीडियो ऑडियो ऑन करने को, दर्शन जी वीडियो ऑन करो और बोलिए। हाँ वीडियो ऑडियो ऑन करिए, मैं भेज रहा हूं यहाँ से, ऑडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए। हाँ ऑडियो ऑन हो गया, वीडियो। हेलो। हाँ जी हाँ जी सर,
नमस्ते। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ जी हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? वीडियो नहीं आ रहा है? नहीं, मेरा तो वीडियो भी आ रहा है। आया, अभी आया, अभी चलिए आया। ठीक है, आप बताइए सर, क्या तकलीफ है आपको? एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। अच्छा, आप मुझे अपनी तकलीफ बताइए, डायग्नोसिस मत बताइए। आप अपनी, आपको क्या तकलीफ होती है? ये कोई मतलब हम लोग के बोलने चाहने की भाषा है नहीं, आप अपनी भाषा में बताइए कि आपको क्या तकलीफ है। स्पाइन बेंड हो गया है, नेक बेंड हो गया है, पूरा अच्छा, आपको लगता है कि ब्रेंड हो गया है? स्टिफनेस रहता है बॉडी में, पूरा स्टिफनेस, स्पाइन और नेक में पूरा स्टिफनेस रहता है, मैं मूवमेंट नहीं कर अपना सकते। वीडियो बंद करती हूँ, मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू थोड़ा सा फंस रहा है। चलिए सर। हाँ जी हेलो बोलिए सर, हेलो हेलो, आप आप बोलिए बोलिए बोलिए। वो। हाँ, मेरा नेक स्टिफ है और स्पाइन स्टिफ है, नेक बैंड हो गया है। किसी को आवाज है? हाँ जी सर, मेरा हेलो हेलो। नेक आ रही आ है रही ना, आ मेरा रही नेक है आवाज, आ ना, रही। बैंड हो गया है। नहीं, वो तो आपने मुझे बताया, क्या आपको पता चलता है बेंड हो गया है? रिपोर्ट वाली बात नहीं पूछ रहे हैं, आपको अपने नेक में क्या लगता है कि सीधी नहीं रह पाती, इधर उधर मुड़ गई है क्या? पूरा बैंड हो गया है मेरा मैम, शेप पूरा बैंड हो गया है। स्पाइनल अच्छा, और क्या तकलीफ है आपको? के जितने भी L1, L3, L4 है ना, सब में स्टिफनेस आ गई है स्पाइन की। हाँ, हाँ कमर में आपको स्टिफनेस हाँ आ जी, गई, हाँ पूरा जी, कमर का जो हिस्सा है वो उसमें आ गया, क्योंकि L1, L2, जो L3, 4, L5 है, सारी चीजें वो हमारी भाषा उसमें नहीं है। मैं एक इंसान को मतलब क्या महसूस होता है, साइंस की लैंग्वेज में मत बताइए, क्योंकि हमको अलग से डिफरेंशिएशन करना है। आपके एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के हिसाब से सर, एक अलग आयुर्वेद की भी डायग्नोसिस बनेगी, ठीक है? इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ। मेरा स्पाइन पूरा स्टिफ हो गया है, नेक बैंड हो गया है पूरा, चलने में तकलीफ होती है, जॉइंट्स मेरे जितने हैं सब पेन होते हैं, पूरा अच्छा, सारे जॉइंट्स में पेन होता है जब सुबह सोकर उठते हैं, तो क्या सारे जॉइंट्स में जकड़ाहट हो जाती पूरा है? स्टिफ होता है, पूरा पूरा स्टिफ होता तो नहीं, सिर्फ नेक और स्पाइन रीजन में ही रहता है कि जैसे हाथ पैर के जो जॉइंट्स हैं, जैसे फिंगर्स है। वगैरह हैं, सब में प्रॉब्लम? ज्यादातर नेक और स्पाइन में रहता है। अच्छा ठीक है। अभी सर आपकी 46। एज कितनी है? 46। क्या काम करते हैं आप? पहले जॉब करता था, अभी फिलहाल तो फ्री, पेन की वजह से फ्री हूँ ऐसा। फ्री? नहीं, फ्री है तो क्या करते हैं, घर पर बैठे रहते हैं कि लेटे रहते हैं दिन भर? नहीं, घर पे लेटने का तो नींद तो आता ही नहीं है, वो एक एक दो घंटा मुश्किल से नींद आएगी। अच्छा, तो दिन अब में भी तो सोते प्रॉब्लम हैं? नहीं, नहीं सोने का होता ही नहीं है, चेयर पे बैठता हूँ, अच्छा, चेयर पर बैठ करके। तो फिर बैठ कर क्या करते हैं आप? बैठ के कभी ऑनलाइन ऑनलाइन थोड़ा जितना हुआ वो करता हूँ, बाकी घर पे ही ज्यादा तो बैठ के बैठा ही रहता हूँ ऐसा। अच्छा, बैठ नहीं बैठे रहते हैं, मतलब बैठ करके कुछ कुछ सोचते रहते हैं? वो होता है, वो नेगेटिव अच्छा थॉट्स आते रहते हाँ, इसीलिए मैंने पूछा कि बैठ करके क्या हैं, करते रहते हैं। तो आते हैं नेगेटिव थॉट्स। सर, जैसे आपके स्पाइन रीजन में प्रॉब्लम है, नेक रीजन में प्रॉब्लम है, उसके लिए हाथ पैर के जॉइंट्स ठीक हैं? हाथ पैर के जॉइंट्स भी दुखते हैं, लेकिन जितने नेक और स्पाइन के दिखते हैं ना, उतने नहीं दुखते हैं। ठीक है, तो क्या हाथ और पैर, तो मान लो नेक और स्पाइन तो अपने आप से कम नजर आता है एक इंसान को, तो हाथ और जी पैर में क्या स्वेलिंग भी नजर आती है कि सूजन स्वेलिंग उजन भी है? बोलेगा तो, स्वेलिंग बोलेगा तो स्वेलिंग बोले के मतलब कि थोड़ा सा जैसे सूजा लगता है, थोड़ा सा मोटापा वहां ज्यादा लगता है, जैसे नहीं, लगता है वो कि नहीं, सूजन उनका सूजन शेपिंग तो नहीं, सही है? सूजन तो नहीं है। ठीक है, आपका वेट कितना होगा सर, और आपकी हाइट? 109, 109, 51 हाइट है मेरी। 5'1" हाइट पर 109 वेट है? तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि सर तो वेट तो वो बहुत ज्यादा है। मेडिसिन जो खाते हैं ना, उसका हीट बॉडी में ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ अच्छा, ये मेडिसिन आप जो ले रहे हो अपनी जी, इस बीमारी का, कितने सालों से ले रहे हो? मोर देन 20 ईयर्स। तो मतलब एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो आपको डायग्नोस हुआ, मोर देन 20 इयर्स हो गया? हाँ जी, हाँ जी, ओके, तो आपको सर याद है कि शुरुआत में आपको क्या तकलीफ होना शुरू हुई थी जिसके वजह से आप डॉक्टर के पास गए थे? एक्चुअली क्या है, मेरा स्पाइन धीरे धीरे पहले दुखने लगा, फिर धीरे धीरे बहुत बढ़ गया, तभी डॉक्टर रूमेटोलॉजिस्ट के पास गया, तभी उन्होंने एक्सरे वगैरह जो भी बोला उन्होंने वैसा किया हम लोग, तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि आपको
एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सर आप उस वक्त 25-26 साल के लड़के रहे होगे, है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी 25-26 साल के पहले मतलब जॉब वॉब करने लगे थे कि तब तक आप पढ़ाई जॉब लिखाई कर रहे थे? मार्केटिंग, नहीं, मार्केटिंग में जॉब करता था और पूरा दिन जॉब में चला जाता था। वो तभी कैसा है, बॉडी और इम्यूनिटी अच्छा था तो एक पेन किलर खा लिया तो चल जाता था। अच्छा, तो पेन किलर ऐसे खाना शुरू किया आपने? हाँ वो तो अभी डॉक्टर ने बताया ना, डॉक्टर स्टेरॉइड अरे पैरासिटामोल ही बोलते हैं ना, और कुछ उसमें है ही नहीं। मतलब कोई भी पेन किलर है, मैं कह रही हूँ जैसे 25-26 साल की एज में तो आपको डायग्नोस हुआ, क्योंकि मोर देन 20 ईयर से आप मेडिसिन ले रहे हो, तो पच्चीस छब्बीस की एज पेशेंट से के और कितने साल पहले से आप पेन किलर वगैरह लेना शुरू कर दिया, जब आपको कम मतलब बैक में दर्द होने लगा था? 25 25 25। अच्छा, 1 साल से आप दर्द मतलब जब आपके दर्द होता था तो आप दर्द की दवाएं ले लेते थे, जब ज्यादा तकलीफ हुई होगी तो आप डॉक्टर के पास गए होंगे, है ना? नहीं, 25 साल की उम्र में डॉक्टर के पास गया था, तभी उन्होंने दवा चालू की थी हर 3 महीने चेकअप कराने को, और वही दवा रहता था और कुछ फर्क नहीं करते थे, और आखिर में वही अच्छा पैरासिटामोल रहता था। अच्छा तो पैरासिटामोल थोड़ा मैं योग वगैरह करता था तभी के जमाने में, तो स्टीरोइड पे शिफ्ट ही नहीं हुआ। अच्छा, तो ये जो पेन किलर है पैरास्टामोल, कितने साल खाए हो सर? 20 साल के ऊपर हो गया। माय गॉड। अच्छा सर, एक चीज बताइए, तो ये सब हाँ जी, सारी चीजें जब खाना शुरू किया था या दर्द होने लगा था, तो क्या उधर आपके पाचन की क्या हालत थी? पेट और साफ होता था उस वक्त अच्छे से, जब आपको ये नहीं, दर्दें पांच उर्दे साल शुरू हुई एक्चुअली थी? जब 5 साल पहले मैं मार्केटिंग फील्ड में था ना, तभी मैं काम करता था बहुत सारा था, तभी इतना कॉन्स्टिपेशन नहीं था। लेकिन अभी मेरा रिसेंट हालत बहुत वर्स होते गया, और उसमें अच्छा, मेरा फिर अभी कब्ज काम ज्यादा रहती है ना? बहुत बहुत, अच्छा, और अभी इसमें बहुत रहती है, अभी पहले भी ऑन ऑफ होती थी? 5 साल में कब्ज बहुत हो गई है, हाँ पहले नहीं, मैं इतना नहीं था। शुरुआत पूछ रही हूँ क्योंकि जो ये तकलीफें हुई होंगी ना, उन हाँ जी, तकलीफों के पीछे आपके पाचन का रहा होगा कि खाना सही से नहीं पचता रहा होगा, ठीक ये खाना है? नहीं था, हम लोग मार्केटिंग थे ना, बाहर का जंक फूड ही होते थे। अच्छा, और फिर सर मार्केटिंग का तो मतलब ये भी है कि पीना उना भी चलता था? नहीं, वो अच्छा पीना चलो, नॉनवेज दोनों नहीं खाते हम लोग। ओके। और रात में कितना रात सोते थे? पहले आज से 5 साल पहले है ना, हाँ समझो 3 4 घंटा आराम से सो जाता था। नहीं, जैसे मार्केटिंग लाइन में थे तो आप रात में 11-12 बजे कितने बजे लगभग सोते नहीं, थे? 9:30 बजे अगर रिटर्न आ जाते थे हम लोग घर पे, और बाद में समझो 10 10:30 बजे खाना करके आधा एक घंटा बैठेंगे, बाद में सो जाते थे, अच्छा, 11 बजे ग्यारह सो जाते, तो सुबह ग्यारह कितने बजे बजे फिर उठने सो की आदत जाते थे। रही है? क्या सुबह बोल रहे, कितने बजे उठने की आदत रही है सर? सुबह 8 7 8 के बिटवीन, पहले अच्छा, पहले, और अभी नहीं पहले, अच्छा, अभी तो मान और लो आपको नींद ही नहीं नहीं आती है, तब की बात अलग है, तो पहले नहीं 7-8 बजे उठते थे, रात में 11-11 बजे सोते थे, हाँ जी हाँ और जी हाँ सारा जी जंक फूड खाने का आदत था। अच्छा, मार्केटिंग हाँ जॉब में थे तो पहले तो आज से 20 साल पहले चीजें भी उतनी अच्छी नहीं थी, तो यूरिन वगैरह के प्रेशर वगैरह को भी होल्ड करना पड़ता रहा होगा, जैसे आप तभी टीचर मार्केटिंग में भी होता है, मार्केटिंग में होता है। हैं। हाँ, कोई भी प्रेशर आए तो उनको नेचुरल अर्जेस को रोकना पड़ता है ना? अभी समझो किधर स्पेस नहीं मिला ना तो रोकना पड़ता है, हाँ, उस हिसाब से बोल रहा और हूँ। मार्केटिंग होने की वजह से स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा रहता रहा होगा, क्या टेंशन बोलो, बहुत रहता होगा। नहीं इतना नहीं, स्ट्रेस रहता है लेकिन इतना नहीं। अच्छा, स्ट्रेस टेंशन मेरे नहीं था, मतलब 5 साल में, ये सारी चीजें थी। स्ट्रेस 5 साल में थोड़ा बढ़ गया था, ये 5 साल में है ना, और हाँ बहुत हो गया था। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए, तो मार्केटिंग लाइन में था तो डेली ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा रहता होगा आपका? ट्रैवलिंग हफ्ते में 3 से 4 दिन, अच्छा, तो क्या 150-200 किलोमीटर टहलते थे कि 50 किलोमीटर के अंदर ही ट्रैवलिंग रहती थी? ये समझ लो 50 के अंदर, ज्यादा अच्छा, नहीं। 50 के अंदर ही, मतलब अपने घर के एरिया के आसपास ही अपना जाना आना है, वापस आ जाना है ना? एरिया और बाकी बाय ट्रेन ज्यादा रहता था, बाय ट्रेन में ना। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताइए सर, ये जो आपका इतना ज्यादा अच्छा खासा वजन हुआ है, ये वजन आपका कब से बढ़ना शुरू हुआ है? और मतलब पहले जब आप 20-22 साल के थे तब कितना वजन था? पहले 80 90 के बिटवीन रहता था, तो भी तो सर बहुत ज्यादा है। हाँ अभी बढ़ गया है लास्ट 5 इयर्स में, 5 ईयर में, लास्ट 5 के पहले भी 80-90 रहता था, तो दैट वाज आल्सो टू मच। अराउंड 80 90 18 80 रहता था, 90 तो नहीं पहुंचा था, आप समझ लो 82 83 का मैं
वेट रहता था तभी। हाँ तो तब पर भी 50, अगर एक बंदा 5 1 की हाइट है तो 5 1 की हाइट पर 60 किलो भी ज्यादा ही होता है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि वजन तो शुरुआत से ही आपका ज्यादा, तो क्या फैमिली हिस्ट्री में भी वजन ज्यादा है लोगों का? फैमिली स्ट्रीम में चाचा का है, मेरे फादर मदर का इतना नहीं था। अच्छा, तो उनको भी इस तरह के कोई हेल्थ इश्यूज हैं? नहीं, आखिर पूरी फैमिली में मैं ही अकेला है। अच्छा, सिर्फ आपको है। तो अभी सर कब्ज वगैरह बहुत ज्यादा है, गैस एसिडिटी भी बहुत ज्यादा बनती है? हाँ, बहुत 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 बहुत। तो जब कब्ज बहुत ज्यादा रहेगी तो सब सारी चीजें। अच्छा, बीपी वगैरह की भी तकलीफ है क्या सर? बीपी आया था लेकिन मैंने गोली लिया नहीं है, अच्छा, गोली नहीं लिया, बीपी मैं आया था। चेक करवाते रहता हूँ। स्ट्रेस ज्यादा आ गया तो बीपी आ जाता है, बाकी ऐसा नॉर्मली बॉडी के हिसाब से स्ट्रेस बीपी नहीं है मेरे को। अच्छा, और कोई तकलीफ है बीपी, मतलब शुगर उगर की तो नहीं है, या सांसों फूलने की तकलीफ तो नहीं है? है। शुगर की तकलीफ कितने सालों से है? तो 4 इयर्स हो गया, तो उसकी मेडिसिन ले रहे हो आप? 5 इयर्स कर लो, 5 इयर्स हुआ, लास्ट 5 इयर्स में ये सब बढ़ा हुआ है मेरा, पहले कुछ भी तो नहीं था। अच्छा, तो उसकी भी मेडिसिन लेते हो आप? हाँ जी जी अच्छा, शुगर की भी एलोपैथी चल रही है, जी जी परहेज तो कुछ परहेज वरहेज भी चल रहे हैं नहीं होता है मैडम, क्योंकि क्यों ये सर? मेडिसिन खाते हैं आपको बॉडी में हीट ज्यादा हो जाता है, फिर आप कुछ भी खा अच्छा, लेते हैं। मतलब परहेज कुछ भी नहीं चलता है, नहीं और मैम, नहीं, नहीं। नींद भी 4 5 साल से काफी डिस्टर्ब है ना? बहुत बहुत, क्योंकि प्रॉपरली मैं सो नहीं पाता हूँ ना, बैक साइड से सो नहीं पाता हूँ, और पेन रहता है, स्टिफनेस रहती है, उतना नींद भी नहीं आता है। अच्छा, एक बात बताओ सर, खाने पीने में क्या खाते हो, सब ज्यादा क्या पसंद है? जंक फूड ज्यादा रहता है मैडम, अकेला रहता हूँ ना, मेरा अच्छा, जंक फूड ज्यादा हो जाता है। पहले से लास्ट 20 ईयर से जंक फूड पे मैं ज्यादा ब्रेड वगैरह, वड़ा पाव, ब्रेड। माय गॉड सर, तो आपका परिवार आपके साथ नहीं रहता? नहीं मैं अकेला हूँ, लास्ट अभी मेरे सिस्टर रहते हैं, हाँ, बाकी मैं अकेला रहता हूँ। ओके okay. नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ, ठीक है आप अकेले रहते हो बट कोशिश करो ना हेल्दी खाना खाने को, ठीक है? ये जो बड़ा पाव है या इस तरह की सारी चीजें हैं, उनसे आपको पता ही कि बहुत ज्यादा वजन बढ़ता है। कभी काल को नॉर्मल इंसान अगर महीने में एक बार टेस्ट के लिए सिर्फ खाता, मैं थोड़ा सा खाता तो बात अलग है, लेकिन अगर हम सोचेंगे उससे हम पेट भरेंगे ना, तो वो चीजें ठीक नहीं है ना? ठीक है, हाँ आपको जी हाँ परहेज जी तो करना ही पड़ेगा, ओके ठीक जी है? विदाउट परहेज नहीं ठीक हो पाओगे सर। जी नहीं नहीं होगा। अच्छा, दिन में चाय कितनी बार पीते हो सर? आज से 5 साल पहले 22 कप पीता था, माय गॉड, अभी 5 साल में 3 4 कप हो गया है। अच्छा, तो चाय वगैरह भी बहुत ज्यादा पीते थे, है ना? हम लोग मार्केटिंग में जाते थे ना, तो मैं विदाउट शुगर पी लेता था ठीक है, आप सर पहले। विदाउट शुगर पीते थे, बट चाय में तो अपना कैफीन भी तो है, वो सारी चीजें भी तो नुकसान करने वाली हैं, ठीक कैफीन है? में प्यास उसका भी लगता नशा है। चढ़ता है। तो वो सारी चीजें तो काफी कुछ गलत, मतलब पहले की रही होंगी, है ना? और नाश्ते वगैरह के साथ भी चाय वगैरह लेते रहेंगे। अच्छा, नाश्ते गुस्सा, में नहीं, नाश्ता नहीं, लेकिन चाय मेरे को ज्यादा अच्छा देता है। अच्छा, और गुस्सा उस्सा कितना आता है? बहुत, अभी शॉर्ट टेम्पर 5 इयर्स में ऐसा हो गया, शॉर्ट टेम्पर ज्यादा हो गया। अच्छा, तो एक बात बताओ, कुछ पूजा पाठ वगैरह भी करते हो? मैं नास्तिक हो गया हूँ मैडम, नहीं नास्तिक सर, हो गया मैं। पूजा परमात्मा को पाठ सौंपना पहले सीखिए, उससे करते थे, थोड़ा सा पहले आराम पहले मिले। करते थे हमारे जो ये अभी कोविड और इसके 5 साल में हमारे माता जी और हमारे बहनों ही चल बसे ना, वो एक मगज में वो स्ट्रेस आ गया और वो एकदम नास्तिक हो गया था मैं। होता है ना सर, आपका सबका अपना अपना कार्मिक अकाउंट होता है, हम सब इस दुनिया में अपने कार्मिक अकाउंट की वजह से आए हैं ना, और रिश्ते बराबर नातों का बराबर भी वही हालचाल है। बट इस जीवन को भी सुकून और शांति से जीना है ना? अगर हम जी तड़पते हुए जाएंगे तो अगली जो हमारी रूह है वो भी तड़पन रहेगी, है ना? बराबर जी तो इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है? अच्छा, जी जी अभी कब्ज तो रहती, यूरिन वाइज भी कोई तकलीफ रहती है अभी? और मेरे को दूसरा ये हरनिया रहता है ना, अच्छा, हर्निया, किस चीज का हर्निया है? एब्डोमिनल नाभि। अच्छा, नाभि अम्बिलिकल हर्निया है, हाँ तो ये अम्बिलिकल अम्बिलिकल हरनिया, हर्निया कितने साल से है? ये भी 5 नहीं 7 साल हो गया अच्छा, 7 साल से अम्बिलिकल हर्निया भी है। अच्छा, यूरिन जी। के साथ में क्या तकलीफ है?
यूरिन का फ्लो यूरिन वगैरह यूरिन ठीक है, कलर वलर ठीक है, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट येलो आता है, है यूरिन? मेडिसिन खाते हैं ना तो येलो आता नहीं, येलो तो आता है, उसके अलावा क्या गंदा सा भी आता है, टर्बिड सा यूरिन रहता है? है। नहीं, इतना तो नहीं हुआ तकलीफ। नहीं, ध्यान दीजिएगा। और क्या बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है? और नहीं, इतना नहीं, अच्छा, रात में कितनी बार उठना पड़ता है यूरिन के लिए? दो टाइम, एक दो टाइम, दो ज्यादा टाइम। नहीं। उसकी वजह से भी नींद डिस्टर्ब होती होगी थोड़ी बहुत, है ना? नहीं इतना नहीं, यूरिन की वजह से तो नहीं ऐसा। पहले अच्छा, पानी कितना पीते हैं सर आप दिन भर में? अभी तो समझो ना, 1 से 1.5 लीटर, ठंडी का सीजन है यानी इतना नहीं जाता है, तो पहले 3-4 लीटर आराम से चला जाता था। नहीं तो प्यास लगती थी तो पीते थे कि बस टाइम हो गया या मन कर रहा लाओ पानी पी लिया जाए? नहीं, प्यास लगता था तभी पीता था पूरा। अच्छा, तो जैसे और कभी डायबिटीज कभी आपको कभी जब कभी डायग्नोस हुआ क्या उसके पहले ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा भूख लगने लगी है, बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी है, इस क्या तरह की बोल भी रहे हो, फिर चीजें हो रही बोलो थी क्या? क्या बोल रहे हो। जैसे जब आपको शुगर डायग्नोस हुआ है तो उसके कुछ टाइम पहले क्या ऐसा हो रहा था कि बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बार 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 प्यास लग रही है, इस तरह की हाँ चीजें भी हो रही थी? वो मैंने फील किया है, अच्छा। वो मैंने फील किया है। ये तो एक अच्छा। सडनली डायबिटीज, मेरे को पता नहीं था, एक सडनली कुछ रीजन के वजह से टेस्ट करवाया तो पूरे बॉडी टेस्ट में यही आया था। तो पहले ओके। ऐसा पर्टिकुलर उसके लिए मैंने टेस्ट नहीं करवाया था, ये डॉक्टर ने बोला कि एक बॉडी चेक करवा लो तो अच्छा रहेगा। अच्छा, नहीं बहुत बढ़िया। अच्छा सर, इसके अलावा भी आपको कोई और तकलीफ है? हाँ, फैटी लीवर है, फैटी अच्छा, फैटी लीवर कब से है? लीवर भी ऑलमोस्ट यही 7 साल हुआ। अच्छा, तो फैटी लीवर में कौन सा ग्रेड है? अभी वो इतना नहीं पता, शायद तो ये रहेगा। अच्छा, फैटी लीवर है, अम्बिलिकल हर्निया है, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, नींद आपको बिल्कुल ना के बराबर आती है, कब्ज और गैस एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, नेगेटिव थॉट रहते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो चुके हैं, और कोई जी, तकलीफ? कोलेस्ट्रॉल भी है। हाँ, तो कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ा रहेगा सर, जब इतना ज्यादा बॉडी वेट है। अच्छा, आप हो तो वेजिटेरियन है ना? प्योर वेजिटेरियन, जैन कम्युनिटी से हो। जैन कम्युनिटी से है सर। अब आप सोच लो, देखो तो सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो हमारा स्ट्रेस होता है, जो हमारी लाइफस्टाइल होती है ना, सारा उसकी वजह से बराबर तकलीफ होता है, ठीक है सर? बराबर, हाँ, जी, ऐसा नहीं होता है कि, क्योंकि कोई इंसान अगर मान लो नॉनवेज भी खा रहा है लेकिन अगर उसकी पाचन क्षमता अच्छी है, मेहनत फिजिकल वर्क बढ़िया से कर रहा है, तो उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। बट अगर कोई सादा खाना जी खिचड़ी भी खा रहा है लेकिन अगर पच नहीं रही है तो तकलीफ देगी, है ना? जी 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 चलिए, और मैं मेरी कैसे तरफ। अभी, हाँ जी सर। मैं ना पेट अभी कुछ भी खा लेता हूँ ना, समझो सुबह का एक दो डोसा भी खाया तो पेट हैवी हो जाता है, तो सर, मैंने अभी तो सभी आपको बहुत प्रकार। हल्के खाने पर रखा जाएगा और जो आपके डॉक्टर बोलेंगे उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा अगर आप ठीक होना चाहते हो, ठीक है? मैंने सभी प्रकार के चूरन, एरंडिया, मेरे को खाली एरंडिया ऑयल सूट करता है, जब भी वो तकलीफ होता है। कोई बात नहीं, आपको जो सूट करेगा वही दवा दी जाएगी। आयुर्वेद में वैसे भी हर इंसान के हिसाब से अलग अलग दवा चलती है, लेकिन परहेज पालने पड़ेंगे सर, ठीक है? वैद्य की मेरे मार्ग को माननी एक बात पड़ेगी। पूछनी थी हाँ जी, हाँ जी, कि प्लीज। केरटीन, हाँ, एरंडिया का ऑयल अगर पेट साफ करने के लिए हम पीते हैं तो कुछ तकलीफ बढ़ेगी नहीं ना। नहीं, कुछ और नहीं बढ़ेगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या बात होती है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई भी ले लिया पेट साफ करने की दवा, आयुर्वेद की मान लो ले लिया आपने, हाँ लेकिन जी, अगर आपका खान पान उल्टा पुल्टा रहता है, आप सही चीजों का पालन नहीं करते हैं, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये सारी चीजें चाहे अरंडी के तेल हो क्या कुछ और होता है, वो बॉडी को सिर्फ असिस्ट करने के लिए होती है, वो बॉडी का बराबर ऑर्गन नहीं बन जाती है, वो आपका डाइजेस्टिव बराबर सिस्टम नहीं बनेगी, है ना? तो इसलिए परहेज बराबर, पालना ही पड़ेगा कि बॉडी अपने तैयार हो, बैसाखी हमारा पैर नहीं होता ठीक है है, ना? तो इसलिए आपको पथ्य ओके पालन करने पड़ेंगे। ओके सर, ओके 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 ओके, ठीक चलिए, है, अभी किसी और को कुछ पूछना होगा तो हो सकता है आपसे पूछे, किसी और ओके सर। को कुछ पूछना है सर से तो पूछ ले प्लीज। आप मार्केटिंग जॉब में थे तो आपको कभी कभी ऐसा होता था कि पॉटी का प्रेशर आया, यूरिन का प्रेशर आया, उसको रोक के रखते थे बहुत देर देर तक, तो उससे क्या हुआ सर, आपके बॉडी में जो वायु है, वायु एयर, वो इम्बैलेंस हो गया है, उसने पूरा बराबर। आपका वर्टिबल कॉलम जो है, स्पाइनल कॉर्ड ऊपर से नीचे सब सुखा दिया है, उसके बराबर हर बराबर बराबर वर्टिबल वर्टिब्रा के बीच में एक ग्रीस होता है, ऑयल होता है, वो सूख गया, इसलिए सारे वर्टिब्रा चिपक गए हैं, उसको एंकुलाइजिंग जी जी स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। एलोपैथी में यस इसका यस, इलाज नहीं है सर, बिल्कुल भी इलाज नहीं है। नहीं, आप ये सोचिए कि 100 एकड़ जमीन सूख गया है पूरा बिना हाँ पानी जी, हाँ के, जी,
हाँ जी तो हम क्या करेंगे, हम उसमें पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, उसको उपजाऊ बनाते हैं। वैसे जी जी ही जी हमारे डॉक्टर हरिहर सर आपको कुछ तेल का एनिमा देंगे, बस्ती देंगे शौच के मार्ग ओके से। वो जब ओके डालेंगे तो आपको हो सकता है कि मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 3.5 साल आपको वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू लेना पड़ेगा। वो ओके जैसे ओके जैसे हाँ तेल जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, आपके वर्टिब्रस में ऑयलिंग जाएगा, वो सारे जी खुल जाएंगे और पूरा ठीक हो जाएंगे आप। अभी ओके पूरा सर स्टिफ हो गया, पूरा एक दूसरे से चिपक गए हैं सर, जी। है ना, वो ड्राइनेस की वजह से। तो आपने यस सर बेगू का अवरोध किया है, मतलब जब भी पॉटी का प्रेशर आया, यूरिन का प्रेशर, उसको आपने किया है। फिर आप टाइम पे खाना नहीं खाते थे, उल्टा पुल्टा जी जी खाते थे, तो जी हरिहर जी सर आपको खाने पीने का परहेज बताएंगे, क्या खाना है क्या नहीं, दवाई जी देंगे, जी और आपको वो मात्रा बस्ती बताएंगे, वो आप करिए, और आप हर महीने पे या कभी भी हमारे पास आइए और बताइए क्या इम्प्रूवमेंट है क्या नहीं है। ओके सर ओके सर जी सर, ठीक है, तो आप थोड़ा सर लीव कर दीजिए, हम डिस्कस करेंगे आपके बारे में। ओके सर ओके सर ठीक है सर सर 1 मिनट सर हाँ सर सर शुक्र छाया का हिस्ट्री भी सर लीजिए एक बार। अच्छा सर, आपको आपका शादी हो गया है क्या सर? नहीं नहीं सर तो आपने सर बचपन से जब आप बड़े हुए तो आप अपना मास्टरबेशन से अपना धातु गिराते थे, नहीं वेद नहीं ऐसे नहीं होता नहीं है नहीं शुक्र? नहीं 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 ऐसे तो नहीं, आप इम्पोर्टेंट है, वो शुक्र शायद ज्यादा हुआ है सर, नहीं नहीं अभी नहीं, पहले 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 बहुत हुआ है, जब ओ बीमारी शायद शुरू हुई शायद शायद तो उसके वजह से क्या हुआ कि धातुओं में स्निग्धता कम हो गया आपका, जी। तो आयुर्वेद की दवाइयों से वो भी ठीक होगा, लेकिन अगर आप शुक्राशय करते हैं, हाथ से निकालते हैं, वो आपको बंद करना पड़ेगा 1 साल, जी। ठीक है? ठीक है और थैंक यू। हम डॉक्टर हैं, आप हमसे झूठ नहीं बोल सकते कि हम ये नहीं है वो नहीं है, नहीं नहीं हमको नहीं भी नहीं नहीं समझता है, हमको भी समझता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी ओके जो हो गया उसको पूरा चेंज करना है, टाइम पे सोना है, जल्दी सोना है, जल्दी खाना है, सूर्यास्त के पहले ठीक खाना है, सुबह जल्दी उठना है, उठने के बाद वॉकिंग करना है, खाने में है घी का यस प्रमाण रखना है, चाय सुबह शाम ओके 2 ही टाइम पीना है, फिर बिना भूख के खाना नहीं खाना है, कुछ भूख ठीक बढ़ाने है वाली दवाई दी जाएगी, कुछ पाचन करने वाली दवाई दी जाएगी, ऐसे जब ठीक है करेंगे ठीक ना, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, कुछ नियम है बताए जाएंगे, वो आप करेंगे तो अगर आप पूरा ठीक हो रहे हैं, फिर नाक में कुछ तेल डाला जाएगा सर, ठीक बता है देंगे, नाक में ठीक तेल है डालेंगे तो आपका ऊपर का जो सर्वाइकल एरिया में जो पेन है, नेक पेन है, वो धीरे जी धीरे खुल जाएगा। ओके ऐसा जी सोचिए कि 100 एकड़ जमीन सूख गया है, पूरा ड्राई हो गया है, जी हमने उसको जी जी गीला करा, वैसे वर्टिब्रस पूरा ड्राई हो गए, सूख गए। तो जैसे जी जैसे ऑयलिंग होते जाएगा, वहां पे स्पेस बनते जाएगा, ग्रीसिंग होगा, फिर आपका ठीक है फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, सारे मसल्स खुल जाएंगे, फिर आप ठीक हो ठीक जाएंगे है सर। ओके सर थैंक यू हाँ ये हमारा ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल है। एलोपैथी में वो लोग सर्जरी करते हैं, सर्जरी के बाद भी ठीक नहीं होता, नहीं सर्जरी के बाद भी रिजल्ट कम है, पॉजिटिव जीरो है। रिजल्ट कम मैंने देखे हैं। हाँ कुछ नहीं आता, लेकिन आयुर्वेद से परमानेंट ठीक हो जाएंगे, लेकिन जी इसके जी लिए जी आपको आयुर्वेद पे विश्वास करना होगा, और हमारे जी हरिहर सर जी ने बहुत सारे पेशेंट ठीक किए हैं, जी उनका जी 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 एक्सपीरियंस है, वो आपको अभी ट्रीटमेंट बताएंगे, ठीक है? जी जी सर जी सर, थैंक यू। और किसी को कुछ ओके पूछना नहीं है? बस बस मैं सेटिस्फाइड है थैंक हाँ सर, थैंक यू सर, तो आप अभी लीव यू कर लीजिए सर, फिर हम बाद में बात करते हैं आपसे। थैंक ओके सर ओके ओके यू सर, थैंक यू। डॉक्टर हरिहर सर, आप अगर हैं तो आप हमसे बात करिए सर, आदरणीय हरिहर सर। सर हाँ जी सर देखिए, इनका ना शुक्र क्षय का भी हिस्ट्री है, अजीर्णाशन, विषमाशन, वेग अवरोध, सारा उल्टा पुल्टा है, तो इनको एक तो ग्रहणी कला पे काम करने के लिए आप कुछ दीपन पाचन दवाई दीजिए, जैसे कि आरोग्य वर्धिनी वटी 42 डेज देना है, या अजमोदादी चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, आसावरिष दीजिए, आप क्या क्या दे सकते हैं बताइए, दीपन पाचन के लिए आपके पास क्या क्या दवाई है? हाँ आरोग्यवर्धिनी ने सर हाँ वो दीजिए, और सर उनको भूख लगने लगेगा, या आम पाचक वटी मेरा वाला जो है वो दे दीजिए, या परपट्टी कल्प दे दीजिए, ठीक है? उसके बाद में हाँ इनका भूख बढ़ने लगेगा तो थोड़ा थोड़ा घी दीजिएगा खाने में, गाय का घी, शुद्ध गाय का घी, उसके साथ में आप ना इनको शीर वाला तेल या तिक्तक शीर बस्ती का कोर्स कराइए सर, मात्रा बस्ती। हाँ जी सर और सर यहाँ पे आपको ये नहीं मिलेगा ना, केकड़े का तेल, कर्कटक तेल नहीं सर नहीं मिलेगा, तो शीर वाला तेल का ही दीजिए ना, 101 आवर्ती का, उससे ठीक हो जाएंगे सर।
और सर इनको खाने के लिए इंटरनल गुगुल तिक्त घृतम नारसिंह रसायन दीजिए। हाँ सर हाँ, और इनके ट्रीटमेंट में कोई और बताना चाहते हैं? शशि मैम कुछ बता सकती हैं? गुगुल कल्प में पेन बहुत ज्यादा होता है, तो महायुगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, बृहद युगराज, स्वर्ण कल्प में बृहद्वाज चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, ये सब दे सकते हैं। सर, इनका आपने ट्रीटमेंट तो सारा बता ही दिया है, क्योंकि पेशेंट का इतना पुराना हिस्ट्री है, 20 साल से ऊपर की ये हो चुकी है मतलब, और 20 साल से इन्होंने पूरा पेन किलर खाया हुआ है, पीसीएम खाया है, तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट उन सारी चीजों के होंगे, तो इनका विरेचन सर कराएं, एटलीस्ट रोज इनको मृदु रेचन जरूर दें, और बहुत ज्यादा क्रूर कोष्ठी टाइप के हैं, है तो वेजिटेरियन लेकिन क्रूर कोष्ठी है क्योंकि स्ट्रेस की वजह से, तो मुझे लगता है शुरुआत में इनको निरू और सर अनुवासन बस्ती देकर एक बार एटलीस्ट इनका पेट ठीक कर लें, और दीपन द्रव्य पाचन द्रव्य जरूर देंगे तो जल्दी रिजल्ट आएगा, और नस्य नाभि पूरण जैसे रंड तिल से करना उससे भी बहुत बढ़िया होगा, और चूंकि स्ट्रेस की हिस्ट्री है तो इसमें पादाभ्यंग वगैरह करेंगे, सरसों के तेल से ही करें थोड़ा थोड़ा ही, चाहे वो खुद से कर सकते हैं अगर इतना ज्यादा प्रॉब्लम कोई और करे तो, उससे नींद वगैरह उनको बहुत बढ़िया आएगी, तो इन सारी चीजों का, और काउंसलिंग बहुत करना पड़ेगा पेशेंट का, क्योंकि सर 50 समझ लो 51 kg इनका वेट रहता है या मैक्सिमम 55 kg तो ठीक होता है, तो 109 किलो वजन है तो बॉडी पर जस्ट डबल है, तो सर आप इनका ECG इको वगैरह सब कुछ करा लीजिएगा, क्योंकि तो पेशेंट का जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत अच्छी नहीं है, जिस हिसाब से वेट है, शुगर की प्रॉब्लम है और BP की प्रॉब्लम है, बट मेडिसिन नहीं लेते हैं तो उसमें भी काफी इशू रहता है कि हार्ट के होने के, और वजन इटसेल्फ बहुत बड़ा कारण है, तो इनके सारे टेस्ट जैसे एक बार अपने पास से करा लीजिए, LFT RFT लिपिड प्रोफाइल वगैरह पूरा, ECG करा लिया, इको करा लिया, और भी कुछ टेस्ट अगर आप समझते हैं यूरिन वगैरह के सारे टेस्ट करा लिए क्योंकि शुगर लेवल है, और फिर दवाएं देख लीजिए क्या क्या चल रही हैं और उन दवाओं के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, तो 20 साल से जब ये खाया जो पीसीएम उसीम ना ये लीवर का जो प्रॉब्लम है वो सब सारा वहां से भी आया हुआ है, तो इन दवाओं को निकालने के लिए भी आप क्या क्या दे सकते हैं वो भी सोच लीजिए सर, उस तरीके से चीजें भी दे सकते हैं, या कह सकते हैं सर चंपकादि अगर इन सब चीजों में भी बहुत बढ़िया काम करेगा, क्योंकि ये सारे पॉइजनस सब्सटेंस अंदर गए हुए हैं तो उनको निकालने के लिए, है ना सर आज हाँ बराबर। मैं हाँ अरे जिस सर आप इतना अगत द्रव्य नहीं सोचिए कि इतना सारा अगत खा लिया है, आप शोधन भी करते जाएंगे ना, पहले तो आप बस्ती दीजिए सर, मात्रा हाँ बस्ती जी दीजिए। चंपकादि अगत ठीक है, लेकिन उनको इतना भी विष नहीं गया है इतना सारा कि चंपकादि अगत देना पड़े इनको। आप सर मात्रा बस्ती देंगे ना, तो मात्रा बस्ती से ये होगा कि इनका कोष्ठ जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इनको पेट साफ ही नहीं होता है ठीक से, तो हाँ स्नेहन करेंगे, फिर मृदु अनुलोमक कुछ जैसे कि मनुका वगैरह देके पेट साफ करना है, और फिर उसके बाद में विरेचन करा दीजिएगा बाद में जब इनका थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो विरेचन से ही सारा दोष निकल जाएगा। अगर देना है तो दे सकते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन उतना नहीं है कि इन्होंने विष सेवन किया है। ठीक है, सर, मनीषा वेट कम कर, वेट वेट कम करने के लिए मेदोहर गुगुल, नवा गोकुल, चंद्रप्रभा वटी, आरोग्य वर्धिनी वटी, ये सब दे सकते हैं। क्या सर, तो जैसे ये पेशेंट अभी बोल रहा था उसको एरंड तेल बहुत सूट करता है, तो उसकी आप ऐसे भी काउंसलिंग करना कि एरंड हरीतकी या मतलब ऐसे लेने से अच्छा गोमूत्र वाला कोई योग ले अगर सर, जैसे गोमूत्र हरीतकी है तो वो उनको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा है उनका और वेट भी बहुत ओवर वेट स्थौल्य है, तो एक ये भी सोचा जा सकता है। जी, और मनीषा मैम आप कुछ बोलिए, शशि मैम ने देखिए कितना बढ़िया बताया सारा चीज। हाँ जी सर, हाँ जी सर, मैंने पेशेंट ठीक किए हैं क्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से, हाँ जी और ये ठीक हो गए, मेरे पेशेंट तो 6 मंथ में ही हो गए, वो तो 95% बैम्बू स्टिक था उनका बिल्कुल, ये तो थोड़ा सा मूवमेंट भी कर ले रहे हैं, वो तो कोई मूवमेंट नहीं, ठीक होते हैं सर, बट स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जैसे सर ने बोला है कि 3 साल लगना है, तो मे भी आपको उतने समय तक उनको बिल्कुल काउंसलिंग करके स्टेबल रखना है ट्रीटमेंट में, और स्टेप बाय स्टेप करना है, क्योंकि इनको थोड़ा सा लिवर में भी, ग्रहणी में भी, और फिर शुक्र क्षय भी है, ओज क्षय भी है, और फिर ये इनको ये भी दिक्कत है कि ये खाने पीने का इनका कोई वो नहीं है, फैमिली ग्राउंड से भी बहुत ज़्यादा ये पुष्ट नहीं है, तो मानस पे भी इनको शिरोधारा कंटिन्यू चलेगा, नस्य चलेगा कंटिन्यू चलेगा, और वस्ती चलेगा कम से कम 14 दिन 21 दिन का इनको तो डिपेंडेंट करिए ही,
और साथ में जैसे मानस चिकित्सा जो भी उनकी मेडिसिन है उनको धीरे धीरे विड्रॉल करेंगे। कोई भी मेडिसिन ऐसा डाइट नहीं कि चलो शुगर लेवल ठीक हो गया तो उसको छोड़ दो, उसको धीरे धीरे करेंगे। डाइट पे पहले लाइए उनको, बहुत अच्छा दीपन पाचन होगा, अच्छा लवण भास्कर जो भी सर बताए बहुत तो बताए भी, और आरोग्यवर्धनी भी देख के देंगे क्योंकि अभी आरोग्यवर्धनी उनको सिंगल डोज ही चलाएंगे, थोड़ा थोड़ा चलाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। और साथ में थोड़ा सा यदि आप गूगल कल पे भी चला रहे हैं ना तो साथ में योग बना के चलाइए, डायरेक्ट अभी मत दीजिए क्योंकि अभी उतना अच्छा पाचन नहीं होगा उनका, तो योग बनाइए, बहुत अच्छा योग भी बताएंगे गूगल कल के साथ में, पेन भी सबसाइड होगा। और धीरे धीरे हमारा जैसे शोधन होते जाएगा, कुष्ठ शोधन हो जाएगा, दीपन पाचन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, मानस पे भी हमारा काम होगा, तो नर्वस सिस्टम भी हमको बोन मैरो में काम करना है, बोन मैरो पे जाके काम करना है, तो अस्थि मज्जा पाचक भी उस समय फिर चलाएंगे, आसावरिष्ठ भी चलाएंगे, अवलेहम भी चलाएंगे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उनको 15 15 डेज का चलाइए सर, और दीपन पाचन होने के बाद फिर हम लोग पंचकर्म में और आपको सपोर्ट करेंगे, उनको 3 to 6 month में अच्छे से खड़ा कर देंगे सर। डोंट वरी, डोंट वरी। जी सर, जी बहुत जी बढ़िया सर। बताया आपने। और शशि मैम आप कुछ और ऐड करना चाहती हैं, मर्म पॉइंट वगैरह कुछ इसमें बता सकती हैं? सर मर्म में तो इनका होल बॉडी का मर्म करें, खास करके सर के मर्म और हाथ पैर के मर्म तो जरूर करें, तो सारे ही मर्म अपॉइंट्स करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। बट चूंकि पेशेंट बहुत निगेटिव है तो पेशेंट नहीं करेंगे, हरिहर सर खुद ही करें या उनके घर में जरूरी उनके है थोड़ा सा लिए स्नेह स्वेदन उनको करेंगे ना, उसके बाद में धीरे 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 करेंगे, हाँ थोड़ा दीपन पाचन वाली कंडीशन अच्छे हो जाए, क्योंकि मर्म हाँ में भी क्या है ना कि कहीं इधर उधर वायु जाके कहीं शिफ्ट किया तो दिक्कत होता है, उसमें भी स्पाज्म आ जाते हैं, बॉडी उतनी अभी नहीं है, लोचनी है इनमें, तो धीरे जैसे धीरे अब करें। हाँ जैसे और अभ्यंग कर रहे हैं सर, उस टाइम भी कुछ कुछ अपना धीरे धीरे करके शुरू हाँ करें। हाँ वही वही उसी ओके पॉइंट पे थोड़ा सा हमको कंसंट्रेट होके करना है, बीच बीच में उद्वर्तन भी करेंगे, उद्वर्तन करके अच्छा से स्टीम देंगे उनको, निर्गुंडी रस का और इसका दशमलादि वगैरह का, नींबू का, और ये थोड़ा सा और एरोमेटिक जल। इनको इनको अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है ना सर, तो ये जिस तरह से सो सकते हैं वैसे सुला के और इनको तेल का धारा गिराएं, जैसे कि हाँ सर, मुरीवीणा तेल। कायसेक हाँ करें, कायसेक सबसे बेस्ट अच्छा है इसमें, कायसेक हाँ बेस्ट है इसमें, तेल की और धारा। सर मूवमेंट होने लगेगा उनका, 14 डेज में ही कायसेक करेंगे, वस्ती देंगे, दीपन पाचन का भर वेट करिए सर उनका, बस सर डॉक्टर बहुत हरिहर सारे। सर, आप ये पेशेंट को पूरा ठीक कर सकते हैं, उनका नया जिंदगी आप ही दे सकते हैं। वैद्यो सर नारायण हरि जी। हाँ सर, यह बात सही है, लेकिन पेशेंट आपके ही गांव के हैं। देखो हाँ वो कहीं के भी हो लेकिन आप उनको ठीक कर दीजिए सर, वैद्यो नारायण हरि। सर, वह वहां रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, तो उनको मेरे पास भेज दीजिए तो या वो मैंने बोला कि भाई आप सर सर को मिल लेना, या सर बताए उसी को किसी को भी, ऐसा मैंने आपका हाँ एड्रेस भी दिया है और बात की क्या है, तो वो बोलता था कि मैंने आप दवाई, मैं दवाई लिख दूँ, इस दवाई लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, नहीं आपको नहीं के अंदर में थोड़ा टाइम रहना पड़ेगा। हाँ कुछ टाइम रहना पड़ेगा, केवल दवाई से थोड़ा ना होगा, टैबलेट से थोड़ा ना होगा, स्नेहन कैसे हाँ होगा। ये बात है। सर आपने बहुत अच्छा केस लाया एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का सर। नहीं मुझे भी मजा आ गया सर, और उसको वो उसने कहीं पहले मेरा एक दो लेख सुने होंगे ना, उसकी वजह से आप वहां से बॉम्बे से उसका फोन आया। अच्छा आप भी कुछ लेख लिखते हैं क्या? आई पहले मैं वो था ना उसमें नई भोजन प्रथा में, इसमें लिखा था कुछ, तो बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। सर मैं मैंने 1500 कितना 2007 या 2008 में मैंने ट्रीटमेंट किया था, वो भी बॉम्बे का ही पेशेंट था, वो एक बड़ा पाव खाना और सबका, उसके तो फैमिली हिस्ट्री थी, दो लोग उसी में डेथ हो गए, वो तो गर्मी में भी ब्लैंकेट ओढ़ के रहता था और टोटली स्टिफ हो चुका था बॉडी उसका। और सर 6 month के अंदर वो मूवमेंट करने लगा, गाड़ी चलाने लगा, 2 साल के अंदर फिर शादी भी किया, और फिर बच्चा भी है, उसको भी लेके आया कि इसको तो बीमारी नहीं होगी, तो नहीं थोड़ा बहुत ध्यान रखना, और ट्रीटमेंट के बाद उसकी फैमिली बिल्कुल अच्छी है, और ये वो तो जो नहीं मिल जॉब लेंगे आप किसी को भी, और जी मैंने उसको बोला था, वो बोलता था मैं एलोपैथिक सोच रहा हूँ, मैं तो एलोपैथिक में कोई ऐसी दवाई अभी नहीं है कि आपको ठीक कर दे, शरीर बिगड़ जाएगा वो आपको। बोन का ट्रांसप्लांट करेंगे और फिर कुछ है ही नहीं है, डॉक्टर ढोलकिया भी उसको मुंह पे फेंक देते थे उसका एक्सरे कि ये कहाँ से ठीक हो गए, तुम्हारा कोई नहीं, 2 महीने का तुम्हारा लाइफ है,
और कुछ नहीं हुआ, ये तो बहुत ठीक कंडीशन में है। थोड़ा इनका शुगर और ये इसका कोलेस्ट्रॉल और लीवर को, इसको और दीपन पाचन को अच्छा से मेंटेन करिए सर, आगे फर्स्ट क्लास पेशेंट ठीक हो जाएंगे। जी सर। हाँ सूरज जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप सर? हेलो सर, ये पंचतिक्तक ग्रोथ गुगुर मतलब इसका उल्लेख आया था, वात व्याधि मतलब चिकित्सा स्थान वाग्भट 22वां अध्याय, जी इसमें ये भी सर यूज करते हैं हम हमारे सर इस केस में मतलब एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह में, जीटी कैप्सूल नाम से मतलब टेबलेट्स आती है जी वो यूज करते हैं, मतलब अस्थि मज्जागत वायु मतलब का प्रकोप अगर ज्यादा है तो ऐसे केसेस में अस्थि मज्जागत विचार करके ये टैबलेट दिए जाते हैं। और सर गंधर्व हरीतकी ऑयल भी मतलब गंधर्व एरंड ऑयल या कुछ तो है मतलब ये भी यूज करते हैं। एरंड पाक भी देते हैं आदि है, गंधर्व हस्त आदि है, उसको वस्ती में मात्रा वस्ती के साथ छिड़काव। सब चिकित्सा सही है लेकिन उनका स्नेहन होना सबसे मेन है अग्नि को बढ़ा के। और सर एक ये पूछना था कि जो स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट रहते हैं या मतलब अस्थि मज्जागत विकार रहते हैं उनमें बहुत मतलब स्टिफनेस का बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो अगर उनको मतलब सुबह सुबह जो वात के ऊपर अच्छा तेल है मतलब कौन सा भी तेल ले लो, चंदन बाला लाक्षादी कोई लाक्षादी कुछ भी तो। नहीं, अभी उसमें भी दो टाइप रहते हैं, एक उपस्तंभित वात व्याधि होता है जो आम वात की वजह से स्त्रोतोरोध जन्य होता है स्त्रोतोरोध, और एक होता है क्षयात्मक संप्राप्ति जहां पे वायु बहुत बड़ा है और क्षय हो गया है धातुओं का। तो उपस्तंभित वात व्याधि में हमें स्नेहन नहीं करना है, जैसे आम वात है तो नहीं करना है, उसमें कुछ ही तेल चल सकते हैं जैसे कि महाविषगर्भ तेल या कुट्टम चुक्कियादि तेल या मुरीवीणा तेल, जहाँ पे उपस्तंभित वात व्याधि है वो भी देख के देना है हमें। और जो निरुपस्तंभित है जहाँ पे क्षयात्मक संप्राप्ति है वहां पे बृहणीय तेल जैसे कि और वात शमक जैसे कि चंदन बला लाक्षादि तेल बलाशुगंधादि लाक्षादि तेल, तो अभी ये पेशेंट में आम के और साम वायु तो है ही इनके शरीर में, अग्नि तो मंद है, तो इनको हमें पहले दीपन पाचन ही देना पड़ेगा है ना। और निरुपस्तंभित में महावाद विध्वंस सॉरी महानारायण तेल शुद्ध बला सिद्ध शीर बला बलाशुगंधादि लाक्षादि तेल धन्वंतर तेल ऐसे तेल देंगे तो हाँ सर, हमें। ये जी मतलब सुना था मैंने आपके आमवाद के लेक्चर में निरुपस्तंभित और उपस्तंभित, मतलब पहले सर इस पेशेंट का मतलब आम आम का पाचन अच्छे से करना है, और जब आम का पूरा पाचन हो जाए और निरामावस्था हो जाए तो ये स्नेहन दे सकते हैं मतलब बृहन तेल और वातशामक तेल का और घृत कल्पना भी, घृत और कल्पना। आपने जो बताया पंचामृत पंचतिक्त घृत गोकुल उसमें घृत है घृत, तो वो स्नेहन भी करेगा और वहां पे सब सब अच्छा है, पेन किलर भी है एंटी इंफ्लेमेटरी भी है सब अच्छा है पंचतिक्त घृत गोकुल। जी बहुत अच्छा बताया आपने, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। वर्षा कौशिक मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? मंगला मैम, वैशाली मैम, डॉक्टर चंद्रशेखर जी कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए। डॉक्टर हरिहर सर आप और लेख लिखिएगा सर, और पेशेंट आएंगे। सब डॉक्टर अभी सर तो लेख आप लिखने का लिखिएगा तो और टाइम हम। पर अच्छा ठीक उम्र है सर, तो हो गई है, लेकिन 76। लेकिन आप लेख अपने ग्रैंड सन से लिखवा सकते हैं, आप बोलिएगा वो लिख देगा, फिर उसको प्रिंट करा दीजिएगा। तो सही है सर। सर वो जी आपने सर, वो उससे क्या ग्लूकोमा होगा का दूसरे लोग बताया पढ़ेंगे तो में जाने है ग्लॉकोमा सर। का। सर आपने रिपोर्ट्स नहीं भेजा, रिपोर्ट्स भेजिए ना फिर मैं बताता हूँ। हाँ ठीक, अच्छा। जी सर, और लोग कुछ बोलना चाहते हैं? शशि मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? डॉक्टर महेंद्र सर, वैशाली मैम कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग कोई केस से रिलेटेड? अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो सेशन बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब हम सुबह मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, खाना खा के सो जाइए, अब हम कल मिलेंगे, थैंक यू।